तो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ तपोवन में एनटीपीसी सुरंग पर लगातार जारी है। यहाँ पर सारी टीम्स मौके पर तैनात हैं। जो 35 लोग करीब बताए जा रहे हैं जो फंसे हुए हैं, इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर यही है कि जो मलबा बार बार वहाँ पर आ रहा है उससे कैसे पार पाया जाए। हालांकि जो ऑफिशियल से हमारी यहाँ पर बात हुई, हमें सूचना ये मिल रही है कि करीब 120 मीटर तक जो हमारे जवान तैनात हैं उन्हें वहाँ पर जाने का, वहाँ तक जा पाए। लेकिन दूसरी तरफ से जो मलबा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे रास्ते हैं जहाँ से मलबा लगातार उस जगह तक पहुँच रहा है जिससे पार अभी तक जो हमारे जवान हैं नहीं जा पाए हैं। कोशिश इसके लिए लगातार जारी है। एक अच्छी बात जो हमें यहाँ पर समझ में आई अभी तक के हिसाब से, क्योंकि हर ये एक तरह से रेस अगेंस्ट टाइम है, जितना समय बीतता जा रहा है जो लोग अंदर मौजूद हैं उनके जीवन पर सफर उतना ही बड़ा है, लेकिन ऑक्सीजन उन तक पहुंच रहा है, इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो इक्विपमेंट, बड़ी बड़ी मशीन्स वहां पर रखी हुई थी, अगर उसका सहारा लेकर जो लोग वहां मौजूद हैं, फंसे हुए हैं, वो अगर वहां पर टिके रह गए हो तो उनके बचे रहने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। देखिए, यही जो जवान है उनका हौसला है कि वो पॉसिबिलिटीज की तरफ ज्यादा सोचते हैं, और इसी बात का जिक्र वो बार बार कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जहां पर उनके बचने की गुंजाइश ज्यादा है। लेकिन अब आप पहले ये देखिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि कल वो यहां मौजूद जवानों से भी उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा। रणनीति बनी है कि क्या वहां एक और मशीन, दो मशीनों से काम लिया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है ताकि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो 35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर जो 12 घायल जिनको रेस्क्यू किया गया है वो ITBP के इस अस्पताल में भर्ती हैं, सभी ठीक हैं, लेकिन उन्होंने जो कष्ट वहाँ पर सहा है कई घंटे, और जैसा वो बता रहे हैं कि बॉडी, शरीर में काफ़ी दर्द है, बॉडी एक है, उसका कारण है कि वो तीन चार चार घंटे उन्होंने वो जो बार वहाँ थी लोहे की उस पर वो लटके रहे, क्योंकि नीचे पानी था, मलबा था, तो चार घंटे तक, साढ़े चार घंटे तक वो लटके रहे, उसके कारण उनका पूरे शरीर में दर्द है। तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।